यदि आप अष्ट लक्ष्मी नवनिधि कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाग्यशाली अवसर हो सकता है आपके लिए। जोधपुर के पंडित शिमाली जी द्वारा निर्मित अष्ट लक्ष्मी नवनिधि कुबेर कलश प्राप्त करके आप अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कलश में आपको दीपावली पर स्थापित करने के लिए लक्ष्मी चरण पादुका, दक्षिणावर्त शंख जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और दीपावली पूजन के लिए पारद लक्ष्मी कुबेर गणेश प्रतिमा, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर की महिलाओं के पूजन के लिए नाग केशर और पंच धातु की डिब्बी, रक्त गुंजा, गोमती चक्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्री यंत्र पेंडल और ब्रेसलेट भी मिलेंगे। ये कलश आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 02912621625। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे इस चैनल और इस नए एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश की, अर्थात 17 सितंबर 2019 से सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। इसकी शक्ति से संपन्न ग्रह चलायमान है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा, पिता, पूर्वज, उच्च सरकारी सेवा, राजशाही, गौरव आदि का कारक माना जाता है। सूर्य के शुभ प्रभाव से हर तरह की सेवाओं में उच्च पद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं सूर्य यदि अशुभ हो जाए, सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट और नेत्र पीड़ा की संभावना रहती है। अब यही सूर्य देवता 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में विचरण करेंगे। कन्या राशि के अधिपति बुध से सूर्य की नैसर्गिक मित्रता है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व, द्वि स्वभाव राशि तथा स्त्री राशि है और सूर्यदेव का इस राशि पर गोचर से जातक व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। यद्यपि लोगों में अपने कार्यों को लेकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा, सभी राशियों पर इसका प्रभाव बुरा ही पड़ेगा यह तो जरूरी नहीं है। कन्या राशि में सूर्य, चंद्र और मंगल इन तीनों ग्रहों के नक्षत्र आते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति होगी। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि में उच्च अवस्था में माना जाता है, जबकि वह तुला इसकी नीच की राशि है, अर्थात नीच राशि में माना जाता है जब तुला राशि में होता है। जन्म कुंडली में सूर्य के अनुकूल होने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति राजा के समान यश, मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। सूर्यदेव के कन्या राशि में गोचर का समस्त 12 राशियों पर भी व्यापक प्रभाव होगा। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का मित्र राशि कन्या में प्रवेश आपकी राशि से कैसा रहेगा, अर्थात आपकी राशि के लिए क्या होने वाला है, शुभ या अशुभ। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मेष राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से शत्रु भाव में गोचर करेंगे, अर्थात सिक्स भाव में गोचर करेंगे। इस भाव के द्वारा, अर्थात सिक्स हाउस के द्वारा, हम अपने विरोधी, शत्रु, संघर्षमता, नौकरी, बीमारियां, कंपटीशन एग्जाम, बैंक का लोन, मामा पक्ष अथवा ननियाल पक्ष आदि के बारे में जान सकते हैं। तो छठे भाव में सूर्य का गोचर शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने कई बार बताया, फिर भी आज फिर रिपीट करता हूं कि आपकी राशि से थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में और इलेवंथ हाउस में सूर्य सबसे ज़्यादा बेटर फल देता है, लेकिन थर्ड, सिक्स, टेंथ और इलेवंथ में सूर्य का फल शुभ माना जाता है। इस भाव में सूर्य का आना आपके लिए कई परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। कोर्ट कचहरी के मामले जो भी चल रहे हैं, जो भी जुड़े मामले में आप इन्वॉल्व हैं, उसमें आप सक्सेस पाएंगे या आपके पक्ष में पलड़ा भारी हो जाएगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र में आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके विरोधी आपके सामने कमजोर हो जाएंगे, अपने आप को निर्बल महसूस करेंगे या आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। किसी कंपटीशन का एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम यदि आपने दिया हुआ है इससे पूर्व में,
या कोई एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया हुआ है तो उसमें सक्सेस मिलने के बहुत अधिक आसार है, प्रबल योग है। कामकाज की जगह पर आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपके साथ में जो भी काम करते हैं सहयोगी, वह सब आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपका सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। सरकारी क्षेत्र से या सरकार की किसी योजना से आपको भारी लाभ मिल सकता है। इस गोचर के दौरान आपके साहस और बल में वृद्धि होगी, आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, अतः स्वास्थ्य में भी पॉजिटिवनेस आएगी और आप काफ़ी चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रसन्नता बनी रहेगी, आपकी संतान की भी प्रगति होगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा, अर्थात आपकी तो इम्प्रूवमेंट है ही है, आपकी प्रोग्रेस है ही है, लेकिन फिफ्थ हाउस से अगले भाव में फिफ्थ हाउस का धन अर्थात सिक्स्थ हाउस, उसमें सूर्य आने से आपकी संतान की भी प्रगति होगी और संतान से गेन होने से, संतान के सक्सेस होने से आप भी बहुत खुश रहेंगे। लेकिन इस गोचर के दौरान आपके एक्सपेंसेस जरूर बढ़ जाएंगे, उस ओर आपको संभलने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये कोई जरूरी नहीं कि जिनके लिए सूर्य नेगेटिव है, जिस राशि में सूर्य नेगेटिव है वो ही ये उपाय करें। वो तो उपाय करेंगे तो उनको तो राहत मिलेगी मिलेगी, लेकिन जिनके लिए सूर्य बहुत शुभ है यदि वो उपाय करेंगे तो उसकी शुभता में और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अर्थात हमेशा जो उपाय करते हैं वो दो ढंग के उपाय करते हैं, एक जो आपके लिए शुभ है उन्हें और ज़्यादा बलवान बनाना और एक जो नेगेटिव है, निर्बल है या आपके लिए प्रतिकूल है उनकी शांति करना। तो सूर्य की पूजा उपासना से, सूर्य के जो भी उपाय आप करेंगे उनसे आपके स्ट्रेंथ में, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, तो साथ ही साथ आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अब उपाय क्या है ये सुन लीजिए। रात्रि में तांबे के पात्र में, चाहे तांबे का लोटा हो, तांबे का गिलास हो या और भी कोई तांबे का बर्तन हो, उसमें पानी भर के अपने सिरहाने रखना है, अर्थात जिस तरफ सर होता है उस तरफ आपको पानी रखना है, चाहे फर्श पर रखें या साइड टेबल पर रखें। अगले दिन उस पानी को आपको सुबह सुबह उठ करके पी लेना है, बट नेचुरल है आप रात भर उस पानी को रखेंगे, उस पर ढक्कन जरूर लगा करके रखना है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और इस गोचर में आपके पंचम भाव में होंगे, अर्थात फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस के द्वारा अर्थात फिफ्थ हाउस से हम शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि और विवेक या हमारे जो भी हॉबीज़ है, रुझान है, उसका पता चलता है। और इस पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है, अर्थात बुद्धि बल से जो पैसा कमाते हैं, इसलिए पंचम भाव हर किसी के लिए लक्ष्मी स्थान है। सूर्य का गोचर फिफ्थ हाउस में होने के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मुख्य रूप से असमंजस, कश्मकश, दुविधा, भ्रम की स्थिति में रहेंगे, अर्थात आप वेवरिंग थॉट, अनस्टेबल मेंटेलिटी, कन्फ्यूजन, इल्यूजन, ये सब कुछ आपके साथ में रहेगी, जिसके कारण आपकी डिसीजन पावर कमजोर हो जाएगी या निर्णय लेने में आपको समस्या आएंगी। संतान को कैरियर में शानदार सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन आपका और आपकी संतान का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है, इसलिए आप गंभीरतापूर्वक स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे संतान की और संतान के स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ऑफिस में स्थितियां बिगड़ सकती है और आपका कर्मचारियों से, अधिकारियों से विवाद हो सकता है, आपका तालमेल उनसे बिगड़ सकता है। अच्छा यही होगा कि घोड़े के आगे और अफसर के पीछे वाले सिद्धांत पर कायम रहें, तभी आपका कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। समाज के कुछ बड़े लोगों से आपका विवाद हो सकता है, अतः शांत रहें, सावधान रहें, इग्नोर करें, जहाँ तक हो सके आप अपनी भलाई देखें कि आपकी भलाई, आपकी सेल्फिशनेस अर्थात आपका स्वार्थ किस में है। स्वार्थ चुप रहने में है, स्वार्थ काम निकालने में है, ठीक, स्वार्थ लड़े झगड़ा नहीं करने में, वो सब कुछ करें। प्रैक्टिकल होने से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस गोचर का कुछ अनुकूल परिणाम भी आपके जीवन साथी को प्राप्त होगा, उन्हें आंशिक रूप से धन लाभ हो सकता है और उनके माध्यम से आपको भी फाइनेंशियल गेन होने की संभावना है। इस दौरान की गई यात्राएं आपके लिए अधिक शुभ फलदायक नहीं होंगी, इसलिए यात्रा के दौरान ध्यान रखें और यदि अनावश्यक यात्राओं को टाल सकते हैं तो टालना चाहिए। आइए अब बात करते हैं उपाय की। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र है, उसका पाठ आपको नियमित करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
सूर्यदेव आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपकी राशि से फोर्थ हाउस में भ्रमण करेंगे, फोर्थ हाउस में गोचर बसात आएंगे। फोर्थ हाउस से जीवन के सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का आकलन किया जाता है, भान किया जाता है। इसके अलावा आप अपनी माता, भूमि, चल और अचल संपत्ति और वाहन के बारे में भी जान सकते हैं फोर्थ हाउस से। इस समय काल में आपकी पारिवारिक स्थिति में खिंचाव आएगा, आपका डोमिनेटिंग रवैया आपके परिवार को पसंद नहीं आएगा, आप स्वयं को ही नहीं अपने विचारों को भी सही मानते हैं, अतः जो आप बोलते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप कहते हैं वही सब सच है, दूसरों की कोई भी इंपॉर्टेंस आप नहीं आगे आने देते। आपको अपनी इस आदत से बचने का प्रयास करना चाहिए। जमीन जायदाद से रिलेटेड अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और इससे आपकी मानहानि होने की भी संभावना है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस गोचर काल के दौरान आपको मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, अर्थात मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इस एक्सेस तनाव से, एक्सेस स्ट्रेस से आपके स्वास्थ्य भी कुछ कमज़ोर पड़ सकता है। शारीरिक परेशानियों से आप व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और इस कारण से आपको छाती पर दबाव महसूस होगा, अर्थात सीने में भारीपन सा महसूस होगा, लेकिन वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, यह विश्वास रखिए। घरेलू मुद्दे ही अधिकांश समय आपका चाहेंगे, अर्थात ज़्यादातर समय आपका अपने घरेलू वातावरण को, घरेलू एटमॉस्फेयर को, घरेलू प्रॉब्लम को ठीक करने में ही लगा रहेगा, इसलिए उनका जल्दी से जल्द निपटारा करना आपके कैरियर के लिए और आपकी शांति के लिए बेहतर है। वैवाहिक जीवन में भी अर्थात मैरिटल लाइफ में भी कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, हालांकि आपके जीवन साथी को अपने कैरियर में जबरदस्त सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी और प्रमोशन मिलने के योग भी हैं। यात्राओं में असुविधाएं हो सकती है, इसलिए यात्रा ना करें या यात्राओं को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कोई यात्राएं ऐसी है जो परिवार के साथ की जा सकती है तो उसमें बचने के सभी उपाय आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं उपायों की। विष्णु की पूजा उपासना, था सूर्य के लिए विष्णु की पूजा उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं। जिन लोगों को श्री कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं वो कृष्ण भगवान की पूजा उपासना करें, जो राम के भक्त हैं वो राम की पूजा उपासना करें, और जो विष्णु की पूजा उपासना करना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण की उपासना करना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की उपासना करना चाहते हैं, वो विष्णु के ही रूप हैं, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मण श्री राम की या श्री कृष्ण की, एक ही बात है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि अर्थात कर्क राशि। सूर्यदेव आपकी राशि के लिए सेकेंड हाउस के स्वामी हैं, सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं और इस गोचर के दौरान आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, थर्ड हाउस में भ्रमण करेंगे। राशि से तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का और उनके साथ हमारे संबंधों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा हमारी मेहनत, हमारी हॉबीज़, हमारी रुचि तथा छोटी दूरी की यात्राएँ थर्ड भाव से देखी जाती है। राशि से तीसरा सूर्य सबसे ज़्यादा शानदार रिजल्ट देता है, अर्थात यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। इस गोचर से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जिससे आप चुनौतियों का सामना, जिससे आप कोई न कोई आपके सामने प्रॉब्लम आएगी उसका सामना आसानी से कर पाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से भी यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यह समय रोगों से मुक्ति तथा सुख चैन प्राप्ति का होगा। छोटे भाई बहनों से आदर और स्नेह मिलेगा और आप भी अपने भाई बहनों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे या उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आपको अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा और विरोधियों पर आपका डर बना रहेगा, अर्थात जो भी आपके कंपटीटर्स हैं, विरोधी हैं, वो सब के सब पराजित होंगे, वो सब के सब आपके सामने घुटने टेकेंगे। फ्रेंड्स से धन लाभ या पैसों का सहयोग भी मिल सकता है, अर्थात आप फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। संतान से सुख और संतान से भी धन प्राप्ति, अर्थात उनसे भी गेन मिलना संभव है। समाज में मान और यश की प्राप्ति होगी और जो आपका वर्किंग एनवायरमेंट है, कैरियर स्ट्रेंथ है, अर्थात कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना है।
आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी, अर्थात सोशल सर्कल में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका सर्कल बहुत वाइड होगा और समाज के जो भी बड़े लोग हैं, जो समाज के आइकन लोग हैं, अर्थात प्रतिष्ठित लोग हैं उनके संपर्क में आप आएंगे और अपने आसपास के लोगों के प्रति आपका व्यवहार, आपका रेस्पॉन्स काफ़ी मेल जोल वाला होगा। आप अपने लक्ष्य को पाने का हर संभव प्रयास करेंगे और उसके लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत भी करेंगे। आपके कार्यों की हर जगह प्रशंसा होगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और इस अवधि में कोई नया पद या कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। इस समय काल के दौरान अतः 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप जो भी यात्राएं करेंगे उन सभी यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, गेन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। अब बात करते हैं उपायों की। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, सूर्य का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य की स्ट्रेंथ मिलती है, सूर्य से जो भी आपको पॉजिटिवनेस चाहिए, आपको पराक्रम चाहिए, वह सब कुछ इस मंत्र से मिलना संभव है। ओम घृणी सूर्याय नमः। जब भी आपके पास समय हो, चाहे वो गाड़ी ड्राइव करते हुए हो, आप आराम से बैठे हैं, जब भी आपको समय मिले यथाशक्ति इस मंत्र का जाप करें। आइए अब बात करते हैं विशेष राशि सिंह राशि की। सूर्यदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपसे अर्थात आपकी राशि सेकंड हाउस में भ्रमण करेंगे। सेकंड हाउस से हमारी वाणी, खानदान, संचित धन संपत्ति अर्थात एसेट, मुख, भोजन या प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जाना जा सकता है। यह गोचर का समय काल मान सम्मान की कमी दे सकता है, फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है, पैसे की समस्या हो सकती है, या आपका पैसा कहीं फंस सकता है, या व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अतः आपको संभल करके चलना होगा। कई बार व्यक्ति को अपने परिवार से अलग भी होना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन भी आती है जब राशि से सेकंड हाउस में सूर्य विचरण कर रहे हों। अपने संबंधियों, मित्रों और समाज के सम्मानित सज्जनों से झगड़ा होने के कारण भी मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। अपने शब्दों में कड़वाहट और कटुता से आपको बचना चाहिए और किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना चाहिए जिससे उनकी भावना आहत ना हो। अपनी बात को प्रेम पूर्वक कहना सीखना चाहिए और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी दौरान मतलब इस गोचर काल के दौरान एक और आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेगी तो दूसरी ओर शारीरिक समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको बुखार, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा थकान, पेट या फिर आईज में इन्फेक्शन से कष्ट उठाना पड़ सकता है। और इसी समय काल के दौरान आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए उनका भी आप ध्यान रखें। अपना तो ध्यान रखना ही रखना है क्योंकि फैमिली हेड होने के कारण आपको अपना ध्यान हमेशा रखना चाहिए और पहले रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर सही हैं, आप अगर संभले हुए हैं तो आप दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन साथी का भी पूरा ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। पारिवारिक मामलों के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसके लिए स्वयं को व्यस्त रहना सीखना चाहिए। ऐसे ही समय काल में व्यक्ति व्यर्थ ही घूमता रहता है या बिना किसी उद्देश्य के यात्राएं भी करता रहता है और उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है, पैसे खर्च कर सकते हैं, इसलिए जहां तक कोई ज़रूरत नहीं हो यात्रा करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि इस राशि के लिए मैंने नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोली हैं, इसलिए आप जहाँ तक हो सके ये उपाय करने का प्रयास करें। नित्य सूर्य को अर्घ्य दें, अर्थात अर्घ्य देने के बारे में मैंने आपको बहुत बार बतलाया हुआ है, फिर भी एक बार फिर जान लीजिए कि तांबे का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल देना है, थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल देना है, ठीक। लाल पुष्प मिल जाए, गुड़हल के पुष्प मिल जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो लाल पुष्प डाल सकते हैं, और पुष्प नहीं हो तो कोई बात नहीं। ओम घृणी सूर्य नमः या गायत्री मंत्र बोलते हुए या सूर्य गायत्री मंत्र बोलते हुए आपने अपनी पूरी हाइट से उस तांबे के पात्र को उठाना है और सूर्य और आपकी आंखों के बीच में से वो जल गिरना चाहिए। आपके पाँव में जल गिरे कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जितने समय तक मंत्र आप बोलते हैं उतने समय तक वो जल निरंतर चलना चाहिए। इसको सूर्य को अर्घ देना बोलते हैं, और सूर्य को अर्घ कब दिया जाता है, जब सूर्य उदय होते हैं, जब आप सूर्य को देख सकते हैं, अर्थात जब सूर्य सिंदूरी कलर के होते हैं वहाँ तक अर्घ देना ठीक है। अपने हाथ में मौली अर्थात कलावा बांध कर रखना चाहिए और कलावा इस ढंग से बांधना चाहिए, वो 6 बार लपेटना है। जो भी अपने घर में कलावा बांध सकती हैं, आपकी बहन बांध सकती है, आपकी बेटी बांध सकती है, आपकी माताजी बांध सकती है, और
नहीं तो अपने आसपास जो भी मंदिर है उसके पंडित जी को बोल दीजिए कि पंडित जी कलावा बांध दीजिए और प्लीज़ इसको 6 बार थोड़ा लपेट दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि इसी से हमारा व्यक्तित्व, शरीर, रंग रूप, बनावट, सामाजिक स्थिति, हमारा दिमाग, मान सम्मान इन सबको जाना जाता है। इस राशि पर सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं है, अर्थात मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। इस समय आपको धन और कानून से संबंधित मामलों में समस्याएं आ सकती है। साथ ही यदि आप कोई कानून का विरोधी कार्य करते हैं या कर चुके हैं तो इस दौरान मान हानि होने की संभावनाएं प्रबल है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्य और पद की हानि हो सकती है, अर्थात डिमोशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, राज्य की ओर से आपका विरोध हो सकता है। ऐसे गोचर में मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें आ सकती है, तेज बुखार, पेट की खराबी या पेट में इन्फेक्शन, आँखों में इन्फेक्शन, बेचैनी, घबराहट, मेंटल स्ट्रेस, अनिर्णय अर्थात कन्फ्यूजन बोल सकते हैं, जैसी स्थिति कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कार्य और व्यवसाय के सिलसिले में आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है। वहीं आपका तनाव और ईगो की भावना आपके जीवन को प्रभावित करेगी और उसका सबसे अधिक असर आपके स्वास्थ्य और आपकी मैरिड लाइफ अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। इस गोचर में खर्च बहुत अधिक होगा। इस दौरान विदेश में रह रहे जातकों या विदेशी कंपनियों में काम करने वाले अर्थात MNCs में काम करने वाले लोगों को अधिक गेन मिलने की संभावनाएं हैं। लंबी यात्राएं, दूर देशों की यात्राएं या विदेश के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, विदेश के वीज़ा के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, विदेश भ्रमण के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, विदेश में जॉब करने के लिए या विदेश में PR के लिए जो भी ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर सक्सेस मिलने के योग हैं। अब उपाय क्या करेंगे? सबसे पहले आपने प्रतिदिन सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। चौंकिए मत, गायत्री मंत्र 24 संख्या में हैं, अलग अलग ग्रहों के भी गायत्री मंत्र हैं, अलग अलग देवी देवताओं के भी गायत्री मंत्र हैं। तो सूर्य का गायत्री मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। एक बार फिर सुन लीजिए, ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये है सूर्य गायत्री मंत्र, इसका आपने अधिक से अधिक जाप करना है जब भी आपके पास समय हो। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव इस गोचर के दौरान आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे, 12th हाउस में भ्रमण करेंगे। इस भाव से हानि व्यय को देखा जाता है और इसी भाव से अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट इन सब को जाना जाता है। इस भाव को नाश भाव कहा जाता है। इस गोचर के दौरान आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही हानिकारक साबित हो सकती है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को केयरफुल बनाए रखिए। काम में बहुत अधिक व्यस्तता से परिवार की दूरी भी आपका कारण बन सकती है, अर्थात इतना भी ज़्यादा व्यस्तता नहीं होनी चाहिए कि आपका परिवार ही आपसे दूरी बनाए या आपके बारे में सब विचार ही करता रहे। आप कमाते किसके लिए? अपने परिवार के लिए, इसलिए परिवार के साथ में एक प्रकार का ठीक सामंजस्य बनाइए, उनके साथ में हंसिए खेलिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, वो और ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा। इस गोचर काल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसका परिणाम आपके मान सम्मान की हानि के रूप में सामने आए। आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहना चाहिए और आपको अपने उन मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए जो आपसे उधार पैसे मांग रहे हैं और उन्हें अपना उधार पैसा देने से आपको बचना है। इसलिए आपको ऐसी टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि आप उधार न दे पाएँ, अर्थात उधार पैसे दे दिए तो वापस नहीं आ पाएंगे। यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा स्वयं से। यदि अपने दोस्तों के साथ में कोई मनमुटाव हो तो उसे तुरंत दूर कर लें और बात को अधिक नहीं बढ़ाएं, क्योंकि यही बातें आगे जाकर के आपके खिलाफ हो सकती हैं। इस अवधि में, इस गोचर की अवधि में अर्थात 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपके खर्चों में, एक्सपेंसेस में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है, जिस पर आपने एडजस्टमेंट बिठाना, संतुलन बिठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले लोगों को इस समय काल में अच्छा गेन मिल सकता है। जो भी एब्रॉड से रिलेटेड काम करते हैं, जो भी फॉरेन सर्विसेज में हैं, या जो लोग भारत से बाहर रह कर के काम कर रहे हैं, या उनके बाहर का काम ज़्यादा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय में सबसे अच्छा गेन मिल सकता है। जिन लोगों को विदेश यात्रा का शौक है, विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी समय से उनका वीज़ा नहीं लग सका है, तो ये वो समय है जब आपको वो सक्सेस मिल सकती है, विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, आपने बहुत ही यात्रा में केयरफुल रहना है। आइए अब बात करें उपाय की। गेहूँ, तांबा और गुड़ का दान करना चाहिए सूर्य के लिए। हर रविवार को गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करें। दान कब करें? रविवार को, जब सूर्य उगता है, सूर्य उदय होता है, उसके पहले घंटे में, अर्थात फर्स्ट आवर, अतः सूर्य की होरा वो पहला घंटा होगी जो 24 घंटे का मुहूर्त होता है, उसमें फर्स्ट ओवर, या जिसको होरा मुहूर्त बोलते हैं, वो फर्स्ट ओवर रहेगा, उस समय गेहूँ, तांबा और गुड़ का दान करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि से 11th हाउस में भ्रमण करेंगे। 11th हाउस से बड़े भाई बहन, आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपकी एम्बिशंस और रिसोर्सेज ऑफ इनकम का पता चलता है। 11th हाउस वृद्धि का स्थान है, 11th हाउस यश का स्थान है, कोई ना कोई चीज़ का इंपॉर्टेंस का स्थान है, इसलिए ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा शुभ है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी सकारात्मक, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और आपको एक से अधिक स्रोतों से, अर्थात एक से अधिक रिसोर्सेज से गेन मिलने की आशा है। तो इसी समय काल के दौरान यदि आप स्पेकुलेशन में हैं, यदि आप शेयर मार्केट में हैं, यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसी आपकी हॉबी है जो आपको एक्स्ट्रा गेन करवा सके, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेटर है। इस दौरान आपकी आमदनी में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होगी और खर्चों पर अंकुश लगेगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाने में सफल हो जाएंगे, संचय होने लग जाएगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और वह आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अपने पिता से लाभ या संपत्ति मिल सकती है, और नहीं तो आपके पिताजी से सहयोग मिल सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। दान, धर्म, पुण्य, इन सब कार्यों में आपका बहुत मन लगेगा। सरकारी सत्र से लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। इस दौरान कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है, किसी लंबी चलने वाली योजना में आपको बहुत यश और लाभ मिल सकता है। अपने से बड़े अधिकारी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ा सकता है, इसलिए उनसे सहयोग लेते रहें और उनका कहना मानते रहें, या उनकी जो लाइन है ऑफ एक्शन है, उनकी जो लीक है, उनके आड़े न आए। प्रेम संबंधों में कुछ कमी आ सकती है और आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आपका मित्र, आपका पार्टनर किसी बात को लेकर के नाराज नहीं हो जाए, अन्यथा रिश्तों में दरार, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? लाल चंदन को घिस करके स्नान के पानी में मिलाना है और उसी जल से स्नान करनी है, या एक दूसरा तरीका अपना लीजिए, लाल चंदन की लकड़ी खरीद कर ले आइए, जब भी आप स्नान करें, अर्थात बाल्टी भर करके वो लाल चंदन की लकड़ी उस पानी में छोड़ दीजिए और स्नान कर लीजिए। स्नान कंप्लीट करने के बाद में वो लकड़ी को वापस निकाल करके सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, जहाँ वो अगले दिन वापस आपको सामने दिखाई दे और आपके काम आ सके। आइए बात करते हैं धनु राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से 9th हाउस के स्वामी हैं तथा आपकी राशि से 10th हाउस में गोचर प्रसाद भ्रमण करेंगे। 10th हाउस को कर्म का भाव कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा आपका प्रोफेशन निर्धारित होता है। 10th हाउस में सूर्य को अधिक बल प्राप्त होता है, सूर्य का यह गोचर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। राशि से 3rd, 6th, 10th और 11th सूर्य हमेशा पॉजिटिव देते हैं, और 3rd, 6th और 11th सूर्य सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा गेन देने वाले होते हैं। सूर्य आपके कर्म भाव को बल प्रदान करेगा, आपका मान सम्मान, गौरव, आपके पुण्य प्रताप में वृद्धि होगी, अर्थात आपको अपनी नौकरी, कार्य, व्यवसाय में अनुकूलता मिलेगी और प्रमोशन के, गेन के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी और आपके कार्य क्षेत्र में, अर्थात आपका काम काज में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपका नाम होगा। इसी दौरान
सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, अतः जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों की बहुत ही अच्छी गेन दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए गोचर अत्यधिक शुभ रहने की ओर इशारा कर रहा है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और प्रभावशाली हस्तियों से आपके संपर्क बनेंगे जो आने वाले समय में आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे और या आपके भाग्य को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेंगे। भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको इस समय में मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति रह सकती है। नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर अथवा स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। जो लोग नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं उन लोगों को इस समय काल में अथवा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में एफर्ट जरूर करने चाहिए। अपने पिताजी के साथ संबंधों में आपको मृदुता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उनका सहयोग आपके कार्य और व्यवसाय में उन्नति देगा। सूर्य का मतलब ही पिता है, सूर्य पिता का कारक है। अगर पॉजिटिव चाहते हैं, सूर्य का बल प्राप्त करना चाहते हैं तो पिता की सेवा करें, पिता का कहना माने, पिताजी को प्रसन्न रखें। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य देवता आपकी राशि से 8th हाउस के स्वामी हैं और इस गोचर में आपकी राशि से 9th हाउस में विचरण करेंगे। ये जो मैं आपको सब सिचुएशन बता रहा हूँ, किस राशि के स्वामी हैं, किस राशि में गोचर करेंगे, ये सारे टेक्निकल वर्ड इसलिए है कि आप इस राशि फल में आराम से सहजता से एक्सेप्ट कर पाएं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो टेक्निकली आपके लिए बोल रहा हूँ। पूरी ये जो मैंने कैलकुलेशन की है वो आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा की है, वरना सिंपल भाषा में मैं सब राशिफल पढ़ लेता तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना मैं टेक्निकल भाषा में समझा रहा हूँ, ताकि आप दूसरों का राशिफल देख करके भी कोरिलेट कर सकें कि कौन टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कौन सही बोल रहा है और किसके राशिफल में दम ज़्यादा है। मैं अपना बखान नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सही या बहुत ज़्यादा मान्यता वाला नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिए, लेकिन मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, ये प्रयास कर रहा हूँ, ये 100% टेक्निकल के साथ में ईमानदारी वाला प्रयास है। मैं अपनी पूरी क्षमता से पूरी स्ट्रेंथ के साथ में आपके अच्छे के लिए काम करूँ और मेरा ये प्रयास कितना सही हुआ ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि हर राशिफल में आपको सब ज्योतिष को सिखाने वाले स्टाइल में आपको समझा रहा हूँ ताकि ये आपके काम आए। अब 9th हाउस से हमारा भाग्य, धार्मिक मान्यता, लंबी यात्राएं, हमारा तीर्थ यात्रा, गुरु और गुरु के समान जो लोग हैं और समाज में मान सम्मान के बारे में इसी हाउस से अर्थात 9th हाउस से देखा जाता है। सूर्य का राशि से 9th हाउस में गोचर आपको मिक्स परिणाम देगा, अर्थात मिला जुला परिणाम मिलेगा। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको पृथक संपत्ति मिलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल है, अर्थात को वसीयत में आपको संपत्ति मिले या आपके पिता या कोई ससुराल से आपको संपत्ति मिलने का योग अगर है तो इस समय वो सफल हो सकता है। इस अवधि में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से कुछ काम बहुत अच्छे ढंग से बन सकते हैं तो कुछ जो काम बन रहे होंगे वो अचानक से बिगड़ भी सकते हैं। कानून के विरुद्ध कार्य से आपकी मानहानि होने की संभावना अधिक है, अतः जहाँ तक हो सके कानून का पालन करें। जो भी नियम बनाए हुए हैं सरकार ने वो हमारे भले के लिए है, वो हमारी सुरक्षा के लिए, इसे कानून से विरोध में जाकर के, कानून से अपोजिट जाकर के कोई व्यक्ति यदि सफल होना चाहता है तो टेम्परेरी सफल हो सकता है, जिंदगी भर वो सफल नहीं हो सकता है। कि कानून की गाज कब आपके ऊपर गिर जाएगी आप खुद भी नहीं जान सकते। बड़े से बड़े अधिकारी और बड़े से बड़े गृहमंत्री और मुख्यमंत्री तक मैंने जेल में बैठे हुए देखे। आपको मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। धन संबंधित मामलों में लेन देन के समय काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि धन की हानि होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। संभावना हो या संभव हो तो इस अवधि में किसी को पैसा देने से बचना चाहिए। अपनी हेल्थ का भी आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित कुछ तकलीफें आपको परेशान कर सकती है। आपके पिताजी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और उन्हें दिल से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं ज़्यादा है, और यदि ऑलरेडी वो दिल की बीमारी से परेशान है तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रखिए और कोई इमरजेंसी के अंदर जो दवाएं होती है वो ज़रूर संभाल के रखिए, या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो कुछ भी है वो जहाँ फ़ोन रखते हैं, जहाँ मोबाइल रखते हैं, या ऐसी जगह जहाँ सब लोग घर वाले जानते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट रखा जाता है, कोई पेपर पे फ़ोन नंबर या डॉक्टर के नंबर लिख करके, एम्बुलेंस के नंबर लिख करके, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके चिपका दीजिए। आपकी दीवार खराब हो जाएगी इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई आदमी घर में बीमार हो और हार्ट पेशेंट हो तब तो समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए घर के बच्चों को भी बताएं कि ऐसे समय में क्या करना है, अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी को और अपनी माता जी को भी ये सब
समझा करके रखें, जब समस्या होती है या जब घबराहट होती है तो लोग अचानक से जो सही चीज़ होती है वो भूल जाते हैं, लेकिन यदि आप बार बार समझाएंगे तो वो याद रह जाता है। इस दौरान ऐसा मुमकिन है कि किसी खास मुद्दे पर आपका वरिष्ठ लोगों से, आपके अपने अधिकारियों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से वैचारिक मतभेद हो जाए, लड़े झगड़ा हो जाए, उनसे अपमान का आपके लिए भय बना रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा और खूब पसीना बहाना पड़ेगा। अचानक से किसी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन यात्रा अच्छी होगी, यात्रा में आपको सफलता मिलेगी। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। सूर्यदेव आपकी राशि से सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं, यह आपकी राशि से एट्थ हाउस में विचरण करेंगे गोचरवशात। एट्थ हाउस को वैदिक ज्योतिष में काफ़ी रहस्यमय माना गया है। इसके दावा अर्थात एट्थ हाउस के द्वारा जीवन में आने वाले बड़े बदलाव, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जीवन का संघर्ष और रुकावटें, सिक्स सेंस, अप्रत्याशित लाभ और हानि, ससुराल पक्ष आदि के बारे में जाना जाता है और आपके जीवन साथी के मूड के बारे में भी इसी भाव से जाना जाता है, इसी हाउस से जाना जाता है। आपकी राशि से एट्थ भाव में सूर्य का गोचर शुभ नहीं माना जा सकता। सूर्य के इस गोचर से किसी वाद विवाद का आपको सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आपको बात को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है और संभावना है कि आपका अपने जीवन साथी या ससुराल पक्ष के लोगों से मन मुटाव हो जाए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप पूरा ख्याल रखें और वे इन बातों से आहत हो सकती है, इसका भी ख्याल रखें। इसी दौरान आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं, इसलिए उनके प्रति सावधान रहें और शत्रुओं की क्या कमजोरी है उसको समझ बूझ करके उनको डाउन करने का प्रयास हमेशा करते रहें। यदि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पाथ को, अपने रास्ते को ही नहीं देखें, आसपास आने वाली मुसीबतों या पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसके लिए भी आपको भान रखना ज़्यादा जरूरी है कि वो आगे नहीं निकल जाए। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और किसी भी रोग की स्थिति में तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें, खुद ही डॉक्टर नहीं बने। किसी भी तरह के गैर कानूनी मामलों से, गैर कानूनी कामों से दूर रहें, अन्यथा राज भय अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर से परेशानी, जुर्माना, मुकदमा, गिरफ्तारी हो सकती है। अनचाहे खर्चे भी आपको उठाने पड़ सकते हैं, इसका असर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर नेगेटिव पड़ सकता है, इसलिए खर्चे और आमदनी में बेहतर एडजस्टमेंट, बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्या में ना उलझें। पैसों की बचत करने पर जोर डालें, व्यावसायिक साझेदारों से भी अच्छा व्यवहार बना करके रखें। अब बात करते हैं उपायों की। रविवार के दिन लाल चंदन मिले हुए जल से सूर्य को अर्घ देना है, अतः सूर्य को जल से अर्घ देते हैं उसमें लाल चंदन का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया है कि तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल भरना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, तो कुमकुम की जगह आप लाल चंदन का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल दीजिए और साथ में लाल पुष्प या गुलाब का पुष्प मिल सकता है, गुड़हल का पुष्प होता है, कनेर का पुष्प हो सकता है, वो डाल सकते हैं और फिर उससे अर्घ्य दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से सिक्स्थ हाउस के स्वामी हैं और इस गोचर में आपकी राशि से सेवंथ हाउस में भ्रमण करेंगे। सेवंथ हाउस से आपका जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, समाज में आपकी छवि, इन सब के बारे में जाना जा सकता है। राशि से सेवंथ हाउस में आया हुआ सूर्य का गोचर मिश्रित परिणाम देगा अर्थात मिक्स रिजल्ट देंगे। इस गोचर में दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, काफ़ी प्रबल है और आपके जीवन साथी से मतभेद उभर करके सामने आएंगे। आपके रिश्ते में तनाव की वजह होगी आपका अहम और अहम की लड़ाई, जिसको नियंत्रित रखने के लिए आप दोनों को ही प्रयास करने चाहिए। इस गोचर के दौरान आपके जीवन साथी और उनके साथ ही आपकी संतान के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है, नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए इन सभी की सेहत का ध्यान आपको रखना है और अपने सेहत का भी। व्यापार के लिए जो परिस्थितियां हैं अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है, लिहाजा व्यवसाय के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से, एग्रीमेंट करने से बचना चाहिए। अपने व्यावसायिक साझेदार, अपने व्यावसायिक पार्टनर्स जो भी हैं उनसे आपने अच्छा व्यवहार बनाए रखना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक प्रसन्नता की बात, एक खुशी की बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय के अंतराल में अर्थात 17 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहें, विशेष रूप से अपने हेल्थ के प्रति, क्योंकि इस यात्रा में आपको पेट दर्द, अपच, मानसिक तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याएं घेर सकती है।
आइए अब बात करते हैं मीन राशि के उपाय के बारे में। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको उठना है और आपके गार्डन में या आपकी बालकनी में जो भी गमले आपने लगा रखे हैं उनमें लाल पुष्प आपको लगाने, ऐसे गमले लगाने जिसमें पुष्प लाल आने चाहिए। उन वृक्षों को, उन पौधों को आपने सुबह सुबह पानी देना है। इतना छोटा सा उपाय आपको करना है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के विशेष उपायों के बारे में, जो कि हर किसी जातक को, मेष राशि से मीन राशि तक जो भी जातक है उनको करना चाहिए। सबसे पहले द्वादश आदित्य कवच पहने, अर्थात सूर्य का ही यह कवच है, द्वादश आदित्य कवच। द्वादश का मतलब 12, 12 ही महीने होते हैं, 12 ही संक्रांति होती है और 12 प्रकार के ही सूर्य का फल बताया गया है। अर्थात द्वादश आदित्य कवच एक पहन करके आप पूरे वर्ष भर के जितने भी सूर्य का राशि परिवर्तन है उनसे आप बचाव कर सकते हैं, सूर्य का प्रतिकूल प्रभाव जो भी है उससे राहत प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड उपाय है रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना है। थर्ड उपाय है गुड़हल का, आपने नाम सुना होगा, जो गुड़हल के पुष्प होते हैं वो सूर्यदेव को अर्पित करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य यंत्र के साथ में माणिक्य जड़वा करके वो लॉकेट पहने, हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान करें और दान किसी जरूरतमंद को करें, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं, घर में एक तांबे का बना हुआ सूर्य का चिन्ह है वो ला करके लगाएं, चाहे वो दीवार पे पेंटिंग की तरह हो, कोई शो पीस की तरह हो या कोई भी पूजा स्थान के आसपास भी लगा सकते हैं। सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना करें और पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें या विष्णु के जो भी अवतार हैं श्री राम या श्री कृष्ण उनकी पूजा उपासना करें। यह सब पूजा उपासना करके, यह सब उपाय करके आप भी अपने जीवन में सूर्य सा तेज, सूर्य सा पराक्रम और कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए जितना प्रयास होगा उतना प्रयास हम करेंगे। आपको बताना है कि आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं और आप क्या चाहते हैं, अर्थात किस विषय पर एपिसोड चाहते हैं, हम वो प्रयास करके आप तक बात पहुंचाएंगे। आपको बदले में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये प्रोग्राम यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में कमेंट देना है। इतना पर कीजिए, हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बदले में आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, अतः सब्सक्राइब करके आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को नमस्कार और आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। दर्शकों, ये कुंडली है और इसमें लिखे नंबर साधारण नहीं बल्कि ग्रहों का एक माया जाल है। इस माया जाल में आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल छिपा है और साथ में छिपा है आपके जीवन के सुख दुख का रहस्य। आपके जीवन में आई सभी समस्याओं के जिम्मेदार ये 9 ग्रह ही हैं। आपके दुखों और कष्टों का कारण और निवारण आपकी कुंडली में ही छिपा है। जरूरत है सिर्फ ऐसे विद्वान की जो इन 9 ग्रहों की भाषा को समझता हो। ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्व तंत्र ज्योतिष के संपादक पंडित कमल श्रीमाली जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और पंडित कमल श्रीमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता। भारत के इन शहरों में आप पंडित जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप भारत के किसी अन्य शहर में रहते हैं तो पंडित जी से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें।